बोला, डू यू रियलाइज कि मैं इस पूरी इस लाइन को मैं 50 पेजेस में भी बोल सकता हूँ और उसको कंप्राइज करके एक लाइन में भी बोल सकता हूँ? यस और नो? दिस इज कॉल्ड समराइजेशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? बोलो, दिस इज कॉल्ड एज इंकलाब जिंदाबाद. दिस इज कॉल्ड एज समराइजेशन. जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में बुक्स और बुक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लोगे. ओके, लेकिन भगत सिंह ने उसको क्या बोला? दो वर्ड्स में. इनफैक्ट भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया था, बट दैट वर्ड वॉज इंकलाब जिंदाबाद. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. डोंट आस्क व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन. किसने बोला? जॉन एफ कैनेडी ने. जिन लोगों ने नहीं मालूम, हो सकता है मैं अमेरिका अच्छा ना लग रहा हूं इस पर. ओके, लेकिन ये क्या है? समराइजेशन. सेकेंड टेस्ट ऑफ यूपीएससी, समराइजेशन. से द लाइन. पहला क्या था? टाइम मैनेजमेंट. सेकेंड क्या था? थर्ड, हिम्मत. कितने लोग एक साल लग जाता है एक एग्जाम देकर. और मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को मैं जानता हूं जो आईआईटी पास आउट है, पता नहीं क्या क्या पास आउट है, दो मार्क्स से फेल हो गए. दो मार्क्स. डू यू रियलाइज दिस? होश उड़ जाएंगे. दो साल एक साल जिंदगी के ऐसे उड़ जाएंगे. डू यू रियलाइज हिम्मत होती है? यस और नो? डू यू रियलाइज लाइफ में हिम्मत की जरूरत है? यस और नो? तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई डाउनफॉल्स आएंगे ही आएंगे, चाहे पर्सनल आएंगे चाहे प्रोफेशनल आएंगे? यूपीएससी तुम्हारा थर्ड चेक कर रहा है. करेक्ट. नंबर वन, नंबर टू समराइजेशन, नंबर थ्री गट्स, करेज. बहुत सारे लोग तुमको यूपीएससी के बारे में पढ़ाते टाइम ना ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू सिखाया जाता है. तो टॉपर जब टॉपर हो जाता है तो टॉपर की शक्ल टॉपर जैसे लगने लगती है. उससे पहले तो वो नॉर्मल ही बंदा लग रहा होता है. अचानक टॉपर का खूबसूरत लगने लगता है. जैसे वो उसका रिजल्ट आता है अचानक हैंडसम का लगने लगता है. मतलब भगवान जाने इतना सुंदर कैसे हो गया, कल तक तो ऐसे दाढ़ी वाड़ी बना के. तो वो टॉपर क्या बोलता है इंटरव्यू में? 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसको भी बड़ी तारीफें हो रही होती है. टॉपर बोलता है, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन द ईयर 2021, देन आई बॉट माय बुक्स एंड देन आई स्टार्टेड स्टडी, देन आई वाज स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स अ डे, देन 2 आवर्स आई वाज आल्सो रिवाइजिंग, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, एंड देन आई क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड आई हियर आई एम. सारे एग्जामिनर को, सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना बेचारे, टॉपर को देखकर ना गिल्ट फील करने लगते हैं. लाइक मैं ही कोई पापी हूँ जो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा. ओके, ये देखो, एक ही बार इसने अटेम्प्ट किया और इसका ग्राफ स्ट्रेट अवे ऊपर तक गया. झूठ है. दिस इज द बिगेस्ट लाइफ पॉसिबल. मैंने उस टॉपर को देखा. मैंने पिछले 10 साल में ऐसा एक टॉपर नहीं होगा जिसको मैंने ना पढ़ाया हो. दिल्ली का ऐसा एक इंस्टीट्यूट नहीं है जहां मैंने ना पढ़ाया. अन अकेडमी का 40 करोड़ लाइव मिनट्स मैंने पढ़ाया, 40 करोड़ लाइव मिनट मैंने पढ़ाया हुआ है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता. ये ग्राफ ऐसा नीचे से ऊपर जाता ही नहीं. हर दूसरे दिन बंदा नीचे गिरता है. हर तीसरे दिन अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी छोड़ दूं क्या? ओके, हर चौथे दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है, सोचो मैं शादी कर लेता हूँ. ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, 10 बार गिरते हैं. तो मैंने एक बात बोली थी, मैं ये बात फिर से बार बार रिपीट करता हूँ. किसी की जिंदगी, चाहे मैं अपनी लाइफ बोलूँ, चाहे मैं राम जेठमलानी सर की बात करूँ, चाहे मैं नरेंद्र मोदी की बात करूँ, चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूँ, चाहे मैं धोनी की बात करूँ, उसकी जिंदगी ऐसे करके ऊपर नहीं गई होगी. ओके, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. और हर टाइम तुम नीचे गिरोगे ना बेटा, तुम्हें गट्स की जरूरत होती है. तो दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, कितना कसबल था बाहू में और लहू में कितनी लाली थी. जो हॉस्टल में बैठे होते ना, खासकर उनको बड़ा आता है. ओके, जो 4 दोस्त मिल रहे होते ना, अरे भाई एक बार बाहर आने से 500 करोड़ कमाऊंगा ना. तो दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, कितना कसबल था बाहों में और लहू में कितनी लाली थी. यूं लगता था दो हाथ लगे, यूं लगता था दो हाथ लगे और नैया पूरम पार हुई. पर ये ना जाना मझधारों में कई छुपी हुई भी धारे थी. कुछ माजी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारे थी. माजी भी वही, नैया भी वही, साहिल भी वही, हम भी वही. अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार करना है. तो जर्नी का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा. जिगर तुम्हारा है, गट्स तुम्हारा है. ओके, एक 23 साल का नौजवान था जिसको ब्रिटिशर्स ने कसम खा ली थी कि इसको फांसी पे चढ़ा के रहेंगे, चाहे इसके ऊपर आरोप से हो या ना हो.
उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह एक ऐसे खानदान से आया था ना जिसके फादर ने 6000 रुपए की जमानत दी थी। 6000 रुपए की जमानत 1920s में, डू द मैथमेटिक्स, आज उसकी क्या वैल्यू है। बड़े भाई इस घर से था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, 6 फुट 2 इंच का सरदार। ओके, सुखदेव बोलता था भगत सिंह के लिए कि भगत को हमें लड़कियों से बचाना पड़ता है, भगत को हमको लड़कियों से बचाना पड़ता है, इतना खूबसूरत नौजवान, सो वेल रेड। लेनिन उसको इन एंड आउट मालूम था, सोशलिज्म उसे इन एंड आउट मालूम था। चला गया यार, हंसते हंसते गया, उसने बॉम्ब फेंका, चंद्रशेखर आजाद ने उसको बोला भगत तेरे को फांसी पे चढ़ाएंगे। बोला कोई बात नहीं यार, फांसी पे चढ़ाएंगे, कोर्ट रूम में इतना मैं बताऊंगा ना पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि हम क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो कटसी आदमी को जब बोला गया, उसके फादर ने बोला कि तब हिमाचल प्रदेश में शिमला में हाईकोर्ट हुआ करता था। ओके, उन्होंने बोला कि मैं तेरी मर्सी पेटिशन डालता हूँ। बोला ना पापा ना, मेरे को ऊपर ही जाना है। बोला कि सब लोग बोले क्या तू डर जाएगा, उसने अपनी दीवार पे लिखा, उसने अपनी दीवार, 23 साल का, माय फ्रेंड शायद तुम लोग उसी एज ग्रुप में होंगे, 23 साल का नौजवान जिसको मालूम है कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उसने जिगर देखो, उसने दीवार पे लिखा तुझे जिबा की खुशी, गर्दन काटने की, तुझे जिबा की खुशी, मुझे मरने का शौक, तुझे अंग्रेजों, तुझे जिबा की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी वही है मर्जी जो मेरे सयाद की है। डू यू रियलाइज दैट गट्स? अगर तुम में जिगर नहीं है, ये एग्जाम अभी छोड़ दो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? बिकॉज तुम बार बार गिरोगे, तुम बार बार गिरोगे, लेकिन इसके एंड पर क्या है मेरा बच्चा? इसके एंड पे है इमोर्टालिटी। क्या है इमोर्टालिटी? तुम लोग अमर हो जाओगे। आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मेरे से ज्यादा अमल, हमारे से ज्यादा इनकम, प्रोफेशनल में मनी कोई नहीं कमाता, इतना तुम्हें आइडिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से ज्यादा शायद प्रोफेशनली किसी को पैसे नहीं मिलता। मैड मनी वी आर पेड, मैड मनी, हमें जीरो डालने को बोल दिया जाता है। ओके, पावर में हमसे ज्यादा शायद ही कोई हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बोलता हूँ, तुम लोग आईएएस ऑफिसर बनो। मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि तू आईएएस ऑफिसर बन, आईपीएस ऑफिसर बन। यू नो व्हाई? बिकॉज यू गेट पावर एट अ वेरी यंग एज, दैट्स द फैक्टर। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो सैर कर ले गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां, और अगर मिल भी गई जिंदगी ये जवानी फिर कहां। यू हैव टू गेट पावर एट अ यंग एज। आई प्रॉमिस योरसेल्फ, इसको एग्जाम मत मानना बच्चे, एग्जाम तुम पास कर चुके हो, 12th के एग्जाम पास कर गए, रोज ग्रेजुएशन के एग्जाम पास करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, नो मेरा बच्चा नो। इट इज इमोर्टैलिटी। तुम मर जाओगे ना, तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे ऐसे याद करेंगे, बेटा ये फोटो देख रहे, ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये यहाँ का डीएम था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज व्हाट आई वांट। अगर तुम में ताकत है, अगर तुम में टैलेंट है, अगर तुम में एबिलिटी है, मैं तुम्हें बताता हूँ सुदर्शन सर, हम लोग अनअकैडमी छोड़ो यार, हम लोग सिर्फ एक, हम लोग पढ़ा रहे क्या, हम लोग एग्जाम तो पास करा रहे? नो, वी आर गिविंग यू इमोर्टैलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते हैं, चलो यार कुछ फर्क लेकर आते हैं। एग्जाम में सब पास हो जाओ बेटा, चाहे तुम रामजस के हो, चाहे आई डोंट नो, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी होगा, नौकरी सब करेंगे, लास्ट में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा फर्क पड़ेगा जब ये मैडम, ये यंग पर्सन, ये एक साइन करेंगे और किसी गरीब के घर में अचानक पानी आने लग जाएगा। यू अंडरस्टैंड? जिंदगी सरकार को दे दी, उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। एक साइन करोगे और वहां पर उस एरिया में जहां क्राइम होगा, जहां गुंडागर्दी है, वहां के गुंडे कांपने लगेंगे। डू यू रियलाइज दिस? डू यू रियलाइज दैट? अगर तुम्हारा जिस टाइम पर गूज बम्प्स नहीं आ रहे, अगर तुम्हारे पेट में एसिड नहीं बन रहा, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। इसको टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एग्जाम ही नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये टफेस्ट एग्जाम है बिकॉज ये एग्जाम ही नहीं है। वो लोग तुम्हारे नॉलेज टेस्ट ही नहीं कर रहे माय फ्रेंड, मैं तुम्हें खुद बोलो, वो नॉलेज ही नहीं टेस्ट कर रहे, वो टेस्ट कर रहे हैं विजडम, वो टेस्ट कर रहे हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, वो टेस्ट कर रहे हैं कि इसको रियलाइजेशन है या नहीं है कि ये कल खड़ा होगा, ये कल जाकर खड़ा होगा, बीच गली में जाके खड़ा हो जाएगा और COVID-19 का लॉकडाउन होगा और किसी में हिम्मत नहीं होगी, वो घर के बाहर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? और तुम्हारे हाथ में कोई गन नहीं होगी माय फ्रेंड्स, तुम्हारे हाथ में कोई बंदूकें नहीं होंगी, डंडे नहीं होंगे, तुम ऐसे जाके खड़े हो जाओ। ऑलराइट?
और तुम्हारे जो ऊपर एक इनविजिबल वर्ड लिखा हुआ है ना IES, दैट विल बी इनफ। यू बिकम आर्टिकल 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, यू बिकम स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम्हें ये, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर 500-700 लोगों के पास, मुझे बोला गया कि ये यूपीएससी विंग ने ऑर्गेनाइज किया, मुझे पता है कि आप रामजस कॉलेज के हो, मुझे मालूम है पापा के लाइन्स याद है, मुझे मालूम है तुम्हारा कट ऑफ 98-99 है, लेकिन ये पॉइंट ही नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं है माई फ्रेंड। ये इंटेलिजेंट टॉपर 100 रैंकर रॉकेट साइंस एलोन मस्क स्टीव जॉब्स, ये उसकी बात ही नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे दिल में क्या धड़कने बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर तुम इसको एक एग्जाम की तरफ बीएससी एमएससी यूपीएससी अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत जगह पे हो बेटा। दो दिन में तुमको सच्चाई मिल जाएगी, दो दिन में। आई वांट टू से पहला दूसरा, और मेरी क्लास में आओगे ना तो मैं तो तुमको आधे दिन में ही याद दिला दूंगा कि भाई ये तुम गलत रास्ते पे आ गए बेटा, अभी से नौकरी कोई और कर ले, शादी वादी कर ले, निकल ले यहां से। ओके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ दिस इज, दिस इज पैशन इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। लोग ना ये वर्ड बड़ा पंचलाइन के फॉर्म में यूज करते हैं, पैशन है जी आजकल हमारा पैशन। पैशन वो होता है जो तुम रात को 3 बजे भी है ना, तुमको ये हो जाए यार भाई ये भी पढ़ लेते न्यूज़पेपर में से। आई यू अंडरस्टैंडिंग? पैशन होता है जो तुमको आंखें बंद ही ना करने दे, नींद में से उठाकर मुझे पढ़ाना पड़ा तो फिर क्या फायदा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम्हारी नींदें उड़ रही है, गेट रेडी फॉर दिस। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, इसके एंड पे इमोर्टैलिटी है, लेकिन मेरा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग से बहुत ज्यादा तुम्हारे दिल की जरूरत है। इज दैट विद अस और नॉट? इज दैट विद अस? आर यू पैशनेट इनफ और नॉट इज द एंटायर क्वेश्चन। इफ द आंसर इज यस, आई एम विद यू। इफ द आंसर इज नो, इट वॉज प्लेजेंट मीटिंग यू, ब्यूटिफुल कॉलेज, थैंक यू फॉर द चाइल्ड, लव यू ऑल। Are you understanding this one? Thank you very much. Sudarshan sir will take over. And Sudarshan sir will tell you 8 steps. Sudarshan sir is an expert in geography for those of you who not studied from him. And he will tell you in step by step manner ki kaise is preparation ho.